तो वृथा खेद यसे बाले अहो चिंता तुरो कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मरत दुखम गमिष्यति। मैं अपनी कथाओं में एक बात बहुत जोर दे करके कहता हूं, हमारे ठाकुर जी बड़े चतुर हैं और इनकी चतुराई का सबसे बड़ा उदाहरण है कि ये इतने सुंदर बन के खड़े होते हैं कि आप इनके चरण देख ही नहीं पाओगे, आपकी दृष्टि चित्तवृत्ति केवल इनके मुख पे ही रह जाएगी। बताओ, यहां पे भी देखो चतुराई दिखाई, चरण छुपा लिए हमारे पीछे, केवल मुख ही दिखे। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि सारे राज तो हमारे चरणन में ही छुपे हैं, और वो चरण ही यदि सबको मिल गए तो फिर वैकुंठ में इतनी ज्यादा जगह नहीं है। सबको वैकुंठ मिल जाए तो वैकुंठ में भी तो जगह, उसके अनुरूप ठाकुर जी को बैलेंस करके रखना पड़ा, जितनी ऑक्युपेंसी उतने लोग आवे तो बाकी सभी लोग तर गए। तो पर हम भी इस जिद में हैं कि ठाकुर जी और लैंड खरीदो वहां पे और जगह खरीदो, बड़ा करो वैकुंठ को, और ताकि सबका उद्धार हो, कल्याण हो। अभी अक्षय नवमी, अक्षय तृतीया निकल करके गई ना, देखो बिहारी जी साल भर में एक ही बार चरण दिखाते हैं। तो महिमा जिसकी ज्यादा होती है उसी को छुपाया जाता है ना। क्यों बिहारी जी चरण छुपा के बैठे रहते हैं अपने? क्योंकि उनकी महिमा है। मुख का दर्शन तो सबको हुआ पर चरण सेवा तो केवट को ही मिली है। मुख का आस्वादन तो सबको प्राप्त हुआ पर चरण तो राजा बलि के सिर पर ही पधराए ठाकुर जी ने। चरण सबको नहीं देते ठाकुर, इसीलिए मैं कहता हूं नवदा भक्ति में दो भक्ति ऐसी हैं वो बड़ी कठिन है। नौ भक्ति के प्रकार में सारी भक्ति सरल है पर दो भक्ति थोड़ी सी कठिन है। उसमें सबसे पहली भक्ति का नाम है चरण सेवा, चरण पाद सेवनम, और दूसरी भक्ति का नाम है सख्य, ठाकुर जी के प्रति सख्य भाव। चरणों में बहुत कुछ विद्यमान है इसलिए ठाकुर जी अपने चरण छुपाते हैं। लेकिन हम सबके ऊपर कृपा करके ठाकुर जी पधारे हैं हम सबके घरों में। बंधुओं, उनके चरणों को खूब निहारा करो, सदा उनके चरणों का, जब जब आप नेत्र बंद करके अपने घर के ठाकुर जी का स्मरण करो, मुख बाद में दिखे, पहले चरण दिखे। ये बहुत बड़ी युक्ति बता रहे हैं हम आपको। और फिर जीवन में जब भी संकट, कष्ट, विपत्ति, आपत्ति कुछ भी जीवन में लगे ना, बस यह नारद जी के सूत्र को अपना लीजिए, श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मरत दुखम गमिष्यति। ठाकुर जी के चरणों का स्मरण कर लो, उसी समय आपके सारे दुख जाएंगे, निश्चित है। नारद जी ने जाकर के भक्ति महारानी को समझाया। अच्छा एक बात कहें बंधुओं, ये भक्ति कौन है? भक्ति कोई और नहीं है, हमारी श्यामा जी हैं, हमारी किशोरी जी हैं, हमारी श्री राधा रानी ही भक्ति। क्योंकि यहां पर नारद जी ने एक बात कही है, वृथा खेद यसे बाले अहो चिंता तुरो कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मरत दुखम गमिष्यति। उसके बाद नारद जी महाराज तीसरे श्लोक में कहते हैं, त्वम तु भक्ति प्रियातस्य। ये छोटे छोटे सूत्रों में ये बातें सब पता चलती हैं। श्री नारद जी कहते हैं, त्वम तु भक्ति प्रियातस्य, हे भक्ति तुम तो ठाकुर जी की प्रिया हो, प्रिया यानी कि उनकी प्रियतमा हो, उनकी प्रियसी हो। त्वम तु भक्ति प्रियातस्य सततम प्राण तोदिकम। अच्छा केवल नारद जी इतना कह देते कि हे भक्ति महारानी तुम उनकी प्रिया हो तो भी ये समझ जाते कि केवल भक्ति को संकेत कर रहे हैं, पर जब अगला शब्द पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, सततम प्राण तो अधिकम, ठाकुर जी को प्राणों से भी ज्यादा प्यारी हो, तो निश्चित है कि ये भक्ति महारानी हमारी श्यामा जी, ये हमारी किशोरी जी। प्रकट नाम नहीं है ना राधा रानी का भागवत में, इसलिए भक्ति कोई और नहीं है बंधु। जिस भक्ति को पाने के लिए, जिस भक्ति को श्रेष्ठ करने के लिए हम कथा सुन रहे हैं वो कोई और नहीं, हमारी श्यामा जी है, हमारी किशोरी जी, हमारी राधा रानी। भक्ति इज इक्वल टू श्री राधा, किशोरी जी ही भक्ति हैं। वही कृपा करती हैं तभी श्री कृष्ण का स्मरण हो पाता है।
पूरी दुनिया श्री कृष्ण का भजन कर रही है, पर किसकी कृपा से? किशोरी जी सबके चित्त में बैठी हैं, तभी कृष्ण बोल पा रहे हैं हम लोग। भक्ति कोई और नहीं है, स्वयं श्री श्यामा जी हैं, स्वयं किशोरी जी हमारी लाडली जी हैं। बड़ा सुंदर भाव अभी देखने में, अभी अभी बस ये भाव आया कि भक्ति कोई और नहीं है, श्यामा जी। तो ऐसी भक्ति महारानी को नारद जी कहते हैं, आप चिंता मत करो, मैं ज्ञान वैराग्य को तीव्र करने का कोई प्रयास करूंगा। और नारद जी महाराज भ्रमण करते करते बद्रीनाथ आ गए। बद्रीनाथ में आके उन्होंने संत कुमारों से कहा कि भक्ति महारानी के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, कृपा करके कोई सत्कर्म बताओ। तब सनत कुमारों ने बद्रीनाथ में कहा, बोले सबसे बड़ा सत्कर्म एक ही है। बोले क्या? कि सत्कर्म सूचकु नूनम ज्ञान स्मृतई बुधई ज्ञान यज्ञ स्मृतौ बुधई श्रीमद भागवतालाप सतु गीत सुखादिभिः। सबसे बड़ा सत्कर्म एक ही है। बोले क्या? सुखदेव जी के द्वारा सुनाई गई, परीक्षित के द्वारा सुनी गई जो भागवत की कथा है, उस कथा का जन जन को श्रवण लाभ प्राप्त हो, इस प्रकार से भागवत की कथा कराओ। देखो मैं कोई निंदा नहीं कर रहा, कई लोग पर्सनलाइज्ड होकर के कथा सुनना चाहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर उसके लिए आपके पास टीवी है, यूट्यूब है, वहां कथा सुनो, अपने आप अकेले ही सुनो, किसी को मत सुनने दो। पर जब कथा कराने का भाव मन में चित्त में उठे ना, तो भले ही आप स्थान छोटा रखो, पर सबके लिए द्वार बंद मत करो, वैष्णवों को आने दो। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, कथा में जितने जीव दिख रहे हैं ये कथा के मुख्य श्रोता नहीं है। बोले तो? बोले कथा में प्रहलाद जी, ध्रुव जी, भक्तिमती मीराबाई आदि आदि सब संत जन, रसिक जन सब आते हैं कथाओं में, और सब कथा में आकर के बैठते हैं। और किसके माध्यम से आते हैं? बोले श्रोताओं के संग ही आते हैं। जो बाहर से श्रोता आते हैं, किसी के मस्तक पर बैठ के आ जाते हैं, किसी के कंधा पर बैठ के आ जाते हैं, किसी के भाव में बैठ के आ जाते हैं, सब यहाँ आपकी सामर्थ नहीं यहाँ बैठने की, आपके अंदर निश्चिती कोई दिव्य चेतना विराजमान होकर के आपको लेके आई है यहाँ पर। और वो दिव्य चेतना ध्रुव, प्रहलाद आदि ये वैष्णव ही हैं, यही कथा के रसिक श्रोता हैं, यही सुनते हैं कथा, आप और मैं नहीं सुनते हैं। आप तो केवल साधन बने हो, आप तो केवल माध्यम बने हो, आपके माध्यम से कोई और आया है कथा में, हमारे नाना जी कहते थे इस बात को। और जब कोई व्यक्ति द्वार बंद कर देता है, अधिकतर धनवान लोग ऐसा करते हैं, तो फिर वो लोग वंचित हो जाते हैं कथा से, उनको आने का अवसर नहीं मिल पाता। इसलिए कथा के लिए तो सबके द्वार खोलो, सब आओ। और फिर इसी भावना से ही प्रसाद आदि रखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सबको प्रसाद मिले। क्यों? ऐसे ऐसे दिव्य चेतनाएं हमारी कथा में आई, सब प्रसाद लेकर के जाए। कथा कराना भैया सामान्य बात नहीं, बड़ी भगवत कृपा होती है तब जाकर के कथा होती है। नहीं तो आप देखिए, यहां सबसे बड़ा सत्कर्म भागवत की कथा सुनाना कहा गया है। भागवत में दान धर्म, स्वाध्याय धर्म आदि सबको नून बताया, भागवत की कथा को सबसे श्रेष्ठ बताया और कहा कि आप भागवत की कथा कराओ। भागवत की कथा में भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों को आमंत्रित करो। जितने लोग भी वहां उस कथा का श्रवण करेंगे, सबके चित्त में ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे। नारद जी महाराज सुनकर के बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के पूछा, बोले महाराज अब ये कथा कहाँ कराऊं, कैसे कराऊं? तब सनत कुमारों ने स्थान बताया कि गंगा द्वार समीपे तु टटमानंद नामकम नाना ऋषि गणै जुष्टम दैव सिद्ध निषेवितम। गंगा द्वार कहते हैं हरिद्वार को। हरिद्वार के समीप में एक आनंद वन है जिसको आजकल ऋषिकेश कहते हैं, बोल वहां गंगा जी के तट पर सुंदर भागवत की कथा कराओ। और सब ऋषि संत जन आदि बंधु, देखो कथा का स्थान ऐसा होना चाहिए जहां वैष्णव ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। अब देखो यहां कितने सारे वैष्णव बैठे हैं, सब वैष्णव आए, दूर दूर से आए, ऐसा ही स्थान होना चाहिए जहां वैष्णव ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आ सके। अच्छा, हमने एक चीज अनुभव की,
वैष्णव भी चींटी की तरह होते हैं, कथा रूपी चाशनी जहां फैल जाती सब अपने आप आ जाते हैं। अभी लॉकडाउन में एक कथा का क्रम प्रारंभ किया हमने, उसका नाम था अकिंचन कथा। अकिंचन कथा साल में एक या दो बार हम करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं। पहले सप्ताह भी करी पर अब उसका नियम बदल दिया, अब दो तीन दिन का कोई भक्त चरित्र या किसी एक विषय को लेकर के करते। उसमें साप्ताहिक नियम नहीं होता, उसमें पंडाल नहीं होता, उसमें माइक नहीं होता, उसमें कोई व्यवस्था नहीं होती। प्राकृतिक व्यवस्था में कथा होती है, या तो पहाड़ में होगी, पहाड़ों के बीच होगी, या समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे होगी। इस प्रकार प्राकृतिक व्यवस्था में उस कथा में पंखे नहीं होते, वायु पवन देव ही वहां पर आकर के, मतलब उस कथा के श्रोता कौन है? कथा की प्रारंभिक आरती तो चंद्रमा करते हैं, क्योंकि वो कथा सुबह शुरू होती 4:30-5 बजे, और कथा की विश्राम आरती सूर्य नारायण करते हैं, क्योंकि वो 7:30 बजे विश्राम होती है, 4:30 से 7:30। कथा में पंडाल की व्यवस्था जो है वो आसमान की है, ये आकाश ही पंडाल है, बीच बीच में बरस भी जाते हैं कई कथाओं में। तो प्राकृतिक व्यवस्था में वो कथा होती है, उसका हमने क्रम इसलिए कोविड में ऐसा रखा था, कोविड में भीड़ करना अलाउ नहीं था, तो सुबह सुबह करते थे, भीड़ ही नहीं आती, सोते रहते थे लोग। पर वो इतनी भाई कि अब मन होता साल में एक आध बार हम करते हैं। अभी जयपुर में थे, इतना सुख मिला। 5:30 बजे से कथा होती थी, क्योंकि गोविंद देव जी के पुराने मंदिर में थी, मंदिर ही 5 बजे खुलता था। 1 बजे से लोग पहुंच जाते, रात्रि 1 बजे से, और वो भी स्थान इतना दूर जयपुर से बाहर आमेर में, थोड़ा एकांत में, वहां रात में अकेले जाने में डर लगे, इतने लोग आते थे। अकिंचन कथा थी, उसमें माइक होता नहीं है, लेकिन पहले दिन इतनी भीड़ आ गई कि दूसरे दिन माइक लगाना पड़ा हमको। मैंने कहा परसों इतने मत हो जाना कि पंडाल भी लगाना पड़े। तो अभी क्या हुआ है कि अभी ब्यार चली है, अभी भक्ति बढ़ रही है लोगों में, और ये 100 वर्षों तक अभी ऐसे ही चलेगा। सूरदास जी ने अपनी एक पद में लिखा है ऐसा कि बीच में ऐसा समय आएगा कि कलयुग में सतयुग दिखने लग जाएगा, सबके अंदर भक्ति भाव प्रकट हो जाएगा, सबके अंदर गुण दिखने लग जाएंगे, सब अच्छे हो जाएंगे, सब प्रिय बोलने वाले हो जाएंगे, सब कलेशों से बचेंगे, क्रोध आएगा तो क्रोध को पी जाएंगे। ऐसी स्थिति धीरे धीरे अब हो रही है, अभी ये 100 वर्षों तक ऐसा चलेगा, अभी प्रारंभ हुआ है। 100 वर्ष बाद अचानक से कलयुग का प्रहार होगा, और फिर आएगा घोर कलयुग, और फिर ये सब धीरे धीरे कम होगा। भगवान करे ये 100 वर्ष, भगवान को दया आ जाए, ये 100 वर्षों की जगह और लंबा इसकी अवधि कर दें, भक्ति महावीर रहे। बंधुओं ऐसी भक्ति करो, ठाकुर जी का मन हो जाए कि भाई कलयुग का नाम बदल दो, क्या करो इसका ही सतयुग कर दो नाम, यही सतयुग है, ये कलयुग है ही नहीं है, कलयुग खत्म करो, अब कलयुग का प्रावधान है ही नहीं। हम तो चाह रहे हैं, हमारा उद्देश्य ये बन जाए कि श्रोता इतनी भक्ति करें, सुनने वाले कथा अपने सब भाई बंधुओं में ऐसा भाव प्रकट हो जाए कि ठाकुर जी को दया आ जाए। ठाकुर जी कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, सब कर सकते हैं, इस कलयुग को सतयुग बना दो। ये उद्देश्य लेके हम भक्ति पथ पे चल रहे हैं। तो भागवत की कथा ये कराओ, तब तुम्हारा कल्याण होगा। भागवत की कथा कराई, बड़े बड़े ऋषिगण, बड़े बड़े सब लोग पधारे, भागवत की कथा हुई, भक्त ज्ञान वैराग्य तीनों आकर के विराजमान हो गए। जैसे ही भागवत की कथा में प्रवेश किया, भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। एक बात मेरी सुनिए, एक आप सब लोगों के लिए गृह कार्य है, होमवर्क। क्या? जो भाव, जो प्रेम, जो ज्ञान, जो वैराग्य कथा सुनते सुनते उत्पन्न होता है ना चित्त में, वो सदा रहना चाहिए आपके अंदर।
यही आपका कथा सुनने का उद्देश्य है कि जिस भाव से आप 4 घंटे कथा में बैठ रहे हो उस भाव से अब बाकी का जीवन भी जीना है, इसी भाव में ही रहना है। ऐसा नहीं कि यहां पर आप प्रिय हो जाएं, यहां से जाते ही बाहर आप कलेश्यारे हो जाओ, ऐसा नहीं। यहां 4 घंटे आप सबका मुखमंडल इतना प्यारा लग रहा है कि आपसे सुंदर संसार में कोई नहीं, ऐसी आकृति ऐसे भाव देखो आप सब लोग यहां से बाहर, इतनी बड़ी सभा में इतने लोग यदि कहीं और बैठे हों बिना कथा के तो वो ऐसे नहीं बैठे होंगे, वो ऐसे बैठे होंगे। एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर कभी नजर घुमा के देखो, सब कैसे बैठे होंगे, ऐसे ही बैठे मिलते हैं सब, सबकी नजर झुका दी, सबका सिर झुका दिया इसने। अच्छा ऐसा नहीं है कि मैं इसकी इतनी बुराई कर रहा हूं तो मैं यूज नहीं करता, मैं भी, मेरा भी सिर झुकाया है, पर कथा में देखो यहां कोई फोन नहीं चला रहा है, सब ऐसे बैठे हैं। पिछले 3 घंटे से आपने फोन नहीं चलाया, पिछले 1 महीने में इतना फोन का कम इस्तेमाल आपने आज पहली बार किया होगा, निश्चित है ना। ऐसा पूरा जीवन कर लो, प्रसन्न मुद्रा में रहो, भाव में रहो, प्रिय रहो, सबको प्रिय लगो, ऐसा पूरा जीवन, जैसा 4 घंटे का हमारा कथा का स्वरूप है ऐसा स्वरूप बाकी के शेष जीवन का हो जाए, यही हमारा गृह कार्य, इसी के लिए आपको प्रयत्न करना है। और आप एक बात सुनिए, लोग मुझसे कहते हैं महाराज जी कोई नियम बताओ, कोई उपाय बताओ, कोई भजन बताओ, यही नियम है आपका। आप 4 घंटे जैसे कथा में रहते हैं वैसे पूरे जीवन में रहने का नियम ले लीजिए, आपको ठाकुर जी प्राप्त हो जाएंगे, भगवत प्राप्ति इसी मात्र से हो जाएगी। और दूसरी बात, वैसे तो ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ब्राह्मण की वाणी मतलब भगवान की वाणी, यदि ब्राह्मण कुछ कह दे तो उसको सत्य करने भगवान को आना पड़ता है, लेकिन वो ब्राह्मण भी यदि ब्रजवासी हो तो ठाकुर जी को निश्चित आना पड़ता है। और वो ब्राह्मण ब्रजवासी, सुनो बात तो सुन लो पहले पूरी, और वो ब्राह्मण ब्रजवासी भी यदि व्यास मंच पर बैठ के कह दे, भागवत जी के सामने बैठ के कह दे, तो निश्चित है आपको ठाकुर जी की प्राप्ति केवल इतने मात्र से हो जाएगी कि जितनी देर आप कथा में जिस भाव में रहते हो उसी भाव में पूरे जीवन भर रहो, सदा ऐसे ही रहो। प्रसन्न हासारुण लो चलो लसत, सदा ठाकुर जी के भाव में रहो। तो भागवत की कथा हुई और उस कथा में आते ही ज्ञान वैराग्य दोनों पुष्ट हो गए, और पुष्ट होते ही युवा अवस्था को प्राप्त हो गए। भक्ति महारानी नृत्य करने लगी, चरणों में प्रणाम करते हुए नारद जी से कहा, हे नारद जी आपने बड़ी कृपा की। नारद जी ने कहा, देवी अब आप हमें एक वचन दो। बोले क्या? भक्तेषु गोविंद स्वरूप कत्री प्रेमैक धर्त्री भ्रमरोग हंत्री स्वातम चतिष्ठस्व सधैर्य संशया निरंतरम वैष्णव मानसा। हे भक्ति महारानी, अब आप सदा सर्वदा जितने भी श्रोता अकालांतर में भी कथा में आवें, आगामी समय में भी जो जो कथा में आवे, कथा में आकर के बैठे, शुद्ध भाव से विराजमान हो, उसके चित्त में जाकर के आप विराजमान हो जाना। भक्ति महारानी ने ये वरदान दिया कि निरंतर आज के बाद जहाँ कहीं भी कथा होगी उसमें जो जो श्रोता आएंगे सबके चित्त में मेरा वास होगा, मैं विराजूंगी। इसका मतलब क्या है? आप जैसी कथा सुनना प्रारंभ किए बंधुओं, भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों आपके चित्त में बैठ गए, और ये 7 दिन तक जब जब आप कथा में रहोगे तब तक भक्ति ज्ञान वैराग्य आपके चित्त में रहेंगे। पर जैसे ही 7 दिन बाद आप पुनः वैसे होते चले गए जैसे आप पहले थे, ये दोनों आपका, तीनों आपका पुनः परित्याग कर देंगे। और अगर इन तीनों ने हमारा त्याग किया तो ये समझ लीजिएगा कि भक्ति ज्ञान वैराग्य नहीं, ठाकुर जी हमारा त्याग कर रहे हैं। इसलिए उद्देश्य कथा सुनना नहीं है, उद्देश्य कथा सुनने से जो भाव निर्मित हुए हैं वो सदा उसी स्थिति में बने रहें, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इस भाव से भागवत के महात्म का प्रथम सर्ग यहां पूर्ण हुआ। द्वितीय सर्ग में गोकर्ण की कथा सुनाई गई, गोकर्णोपाख्यान सुनाया गया। हम सूक्ष्म में कथा यहाँ की सुना के विश्राम करेंगे। आज प्रथम दिन है, प्रथम दिन में ऐसा कहते हैं शास्त्र आज्ञा भी है, चर्चा परिचय चर्चा होनी चाहिए। आप मुझे पहचानो, मैं आपको पहचानूं, और उसके बाद
फिर परिचय हो जाए, फिर कथा का क्रम होना चाहिए। इसलिए आज परिचय चर्चा चल रही है, इसलिए हम विस्तार कम कर रहे हैं, फिर भी बहुत कर दिया। लेकिन श्री आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके पास संतान नहीं थी। संतान ना होने की वजह से बड़े दुखी थे। संसार में बंधुओं, जो भी वस्तु आपको ठाकुर जी नहीं देते हैं उसमें अपनी भलाई समझो। कभी भी प्रकृति से किसी वस्तु को छीनिए मत। एक दो बार प्रयास करना चाहिए, एक दो बार के प्रयास के उपरांत यदि आपको वस्तु की प्राप्ति ना हो तो उसको भगवत आज्ञा मान करके छोड़ देना चाहिए। चाहे वो संतान हो, चाहे वो सांसारिक कोई वस्तु हो, धन हो, संपत्ति हो, दो तीन बार प्रयास करो। प्रयास के बाद भी यदि प्राप्त ना हो तो भगवत इच्छा मान के उसको छोड़ दो। क्योंकि जो व्यक्ति लगा रहता नहीं चाहिए 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 चाहिए, प्रकृति से छीनने का प्रयास करता है, तो लोग कहते तो हैं कि वो एक डायलॉग है पिक्चर का, शिद्दत से किसी वस्तु को चाहो तो पूरी कायनात लग जाती तुमको मिलाने में, है ना? ऐसे है ना। लेकिन एक बात सुनो, कायनात मिला तो देती है उस वस्तु से, लेकिन उसी वस्तु से आपको एक ना एक दिन कष्ट जरूर होगा, ये निश्चित है। वो तो फिल्मी भाषा है, ये आध्यात्मिक भाषा है कि आप शिद्दत से लगे रहो किसी वस्तु के पीछे, मिल जाएगी आपको। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं, जिसके लिए आपने सब कुछ छोड़ करके प्राप्त करने का प्रयास किया, भगवत विलग वस्तु यदि वो है, एक दिन उसी वस्तु के कारण चिंता में बैठोगे, उसी वस्तु की प्राप्ति होने के बाद में आप निराश हो जाओगे, हताश हो जाओगे। इसलिए भैया, ये शिद्दत से लगे रहो, कायनात लग जाए मिला, इसके लिए ठाकुर जी के लिए लगो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की पत्नी, उन्होंने यही उपदेश तो दिया, बोले जितनी प्रीति तुम मुझसे करते हो, जितनी व्याकुलता तुम्हारे अंदर मेरे लिए है, जितनी तड़प तुम मुझसे मिलने के लिए रखते हो, इतनी तड़प, इतनी व्याकुलता, इतनी इतनी परेशानी यदि तुमने राम जी के लिए रखी होती तो राम जी मिल गए होते अब तुमको, मेरे पीछे भाग रहे हो। उसी दिन भारत को गोस्वामी तुलसीदास की प्राप्ति हो गई। देखो, हमारे अंदर सब कुछ है, हमारे अंदर लगन भी है, हमारे अंदर तड़प भी है, हमारे अंदर इच्छा भी है, हमारे अंदर व्याकुलता भी है, हमारे अंदर क्या कहेंगे, किसी कार्य को करने की उत्सुकता भी है, सब कुछ है हमारे अंदर, पर संसार के लिए। अभी दो चार कलावे ले जा करके बाहर एक वृक्ष के पास बांध देता हूं, और दूसरे दिन एक वीडियो बना करके वृक्ष के पास, यहां पर कलावा बांधने से आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है, वो बेचारा वृक्ष अंतर ध्यान हो जाएगा, कलावा वृक्ष हो जाएगा। लेकिन हम कितनी भी वीडियो में बना करके कथाओं में बैठ बैठ कह दें, बोले नाम जप किया करो, ठाकुर जी की कथा सुना करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, कुछ कुछ को भगवान चाहिए ही नहीं। आए महाराज, हम संसार में भगवान को प्राप्त करने आए हैं? भगवत प्राप्ति के साधन के लिए सब पीछे हट जाते हैं, सांसारिक साधनों के लिए सबकी देखो तप व्रत अनुष्ठान सब शुरू हो जाते हैं। मुझे सच में बहुत पीड़ा होती है कभी कभी देख करके। एक बार मैं एक स्थान पर गया, स्थान का नाम बोल देता हूं, जागेश्वर उत्तराखंड में, महामृत्युंजय जिस स्थान पर प्रकट हुआ, जागेश्वर बड़ी सुंदर स्थान है। कभी आपको भ्रमण के लिए जाने का मन हो, बद्रीनाथ केदारनाथ सब लोग जाते हैं, जाना ही चाहिए, चार धाम है हमारे। कभी आपको उत्तराखंड की तरफ जाने का मन हो, हमारे कहे से जागेश्वर जाइएगा। तीन स्थान हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर, जागेश्वर, बागेश्वर और मुक्तेश्वर, ये तीन हैं उत्तराखंड में। तीनों महादेव के स्थान हैं, और तीनों की स्थिति कैसी है, मुक्तेश्वर वो इतनी ऊंचाई पर है कि वहां बर्फ भी दिखती है, बर्फ भी आसपास रहती है। जागेश्वर इतनी गहराई में नीचे उतरना पड़ता, पहाड़ों के भी अंदर भीतर जाना पड़ता है, और बागेश्वर ये बिल्कुल मध्य में है। तीनों मतलब ऊपर नीचे और मध्य, तीनों में है महादेव के मंदिर। तीन दिन लगते हैं दर्शन करने में। तो जागेश्वर में गया, वहीं पर महामृत्युंजय मंत्र प्रकट हुआ, तो इतना सुंदर स्थान है, छोटा सा एक गांव है, इतनी सर्दी पड़ती है वहां, इतना नीचे होने के बाद भी
मुझे अभी स्थिति याद आ गई तो पूरा मैं वहीं घूम गया। तो वहां मैंने देखा कि 7 बजे लोग बाग अपने अपने घरों में, 8 बजे तो सब सो जाते हैं शाम को, और पूरे कस्बे में आपको प्याज लहसुन नहीं मिलेगी, होटल में भी नहीं मिलेगी, कहीं नहीं बनती। तो वहां पर मैंने देखा कि मैं एक दिन मतलब रात्रि में 8-9 बजे नींद नहीं आ रही थी, हम संसारी लोग 10-11 बजे सोते हैं, तो खिड़की खोल करके मैं देख रहा था तो 2 दंपति खड़े थे मंदिर के बाहर और हाथ में दिया लेकर के खड़े थे। मैंने वहां के किसी व्यक्ति से पूछा, मैंने कहा क्या कर रहे हैं? बोले महाराज जी, यहाँ की प्रथा है कि रात भर दिया लेकर के खड़े रहो और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जब मंगला आरती होती है तो उसी दिए से ठाकुर जी की आरती करके घी का दिया अर्पित कर दो, इतना करने मात्र से पुत्र की प्राप्ति होती है। मेरे चित्त में एक भावना आई, मैंने कहा व्यक्ति संसार की प्राप्ति के लिए कितने कठिन से कठिन मार्ग को अपना लेता है। यहीं किसी कभी ऐसा सुनने में नहीं आया कि कोई रात भर दिया लेकर के मंदिर के बाहर इसलिए खड़ा था कि मुझे राम जी मिल जाएं, मुझे ठाकुर जी मिल जाएं, मुझे श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएं। इस भावना से कोई व्रत नहीं करता, कोई अनुष्ठान नहीं करता, कोई नियम नहीं करता। संसार की प्राप्ति के लिए हम लोग तब तक कर लेते हैं, तपस्या तक हमारे द्वारा हो जाती है। यही तप, यही जप, यही नियम, यही अनुष्ठान यदि भगवत प्राप्ति के लिए करो तो माने कि आप वैष्णव। हम अभी अनुष्ठान में थे नासिक में, मैं कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, बस मैं आप भी करो इसलिए कह रहा हूं। वहां पर हमारे इतने सारे नियम थे महाराज जी ने बनाए। प्रथम दिन जब अनुष्ठान प्रारंभ हुआ तो मुझसे पूछा गया किस कामना से, मैंने कहा बस हमारे गिरधर लाल जी एक दिन भुजा नीचे करके मुझे दर्शन करा दें इसलिए अनुष्ठान करना है, कभी ठाकुर जी के अचल में सचल का दर्शन हो जाए, वो अचल कभी अपने नेत्र पलक झपक करके मुझको दिखा दें। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा। कभी इस कामना से कोई अनुष्ठान किया, कभी इस कामना से कोई व्रत किया? एकादशी व्रत कितने लोग करते हैं, हाथ ऊपर करो। कल की है एकादशी, परसों है, हैं? परसों है ना, आज नौमी है, नौमी और दसवीं दोनों, कल भी एकादशी कई जगह। परसों से आप लोगों की एकादशी का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, यही आप लोगों का भले ही मन नहीं हो पर हम जबरदस्ती आपसे ये हम संकल्प करवा दिया, अब संकल्प हो गया आप लोगों का, अब परसों से आपकी एकादशी का एक ही उद्देश्य है। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी, हमको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। सघन कुंज है, यमुना का तट है और श्याम सुंदर सचल श्री किशोरी जी के साथ रमण कर रहे हैं, गले में गलवैया डाले विचरण कर रहे हैं, और वो हम अपने इसी तन से, इन्हीं नेत्रों से, इसी जीवन में उसका प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं। यही हमें अपनी एकादशी से चाहिए, यही हमें हमारे व्रत से चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। संसार क्यों मांगते हैं हम अनुष्ठानों से, हम व्रतों से, जब मनोकामना पूरी होती ही है इन व्रत अनुष्ठानों से तो ठाकुर जी को मांगो ना। संसार की सब वस्तुएं तो आपके कर्म प्रदान कर देगा, कर्म प्रदान कर देगा, ठाकुर जी को मांगो ना। और ये दर्शन जैसे ही हो जाए, फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, बसा कर छिपा करने दन में, बसा करने छिपा करने, ये उद्देश्य है। हाँ,
तो संसार में यदि किसी संसारिक वस्तु का अभाव है तो ठाकुर जी की कृपा समझो। लेकिन आत्मदेव बड़े दुखी हो गए, पुत्र की कामना के लिए रोने लगे, संत के पास गए, संत ने एक फल दिया, उसी फल को अपनी पत्नी को लग दिया, पत्नी ने गाय को खिला दिया, गाय के गर्भ से गोकर्ण जी महाराज हुए और पत्नी अपनी सहेली के पुत्र को ले आई, उसका नाम धुंधुकारी हुआ। बड़े होकर के धुंधुकारी महान दुष्ट हुआ, गोकर्ण पंडित ज्ञानी हुए। धुंधुकारी पुत्र की दुष्टता से दुखी होकर के पिता ने गृह त्याग कर दिया, गोकर्ण जी महाराज ने ज्ञान उपदेश दिया। तत्पश्चात धुंधुकारी मर करके प्रेत बना। एक बात याद रखिएगा बंधु, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाला व्यक्ति मृत्यु के पश्चात प्रेत बनता है। मातृ पितृ चरण सेवा न करते हुए अपने प्राण त्याग देने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद प्रेत बनता है। गलत आचरण, गलत व्यवस्थाएं, गलत व्यक्ति का संग करने वाला व्यक्ति प्रेत बनता है। और जीवन भर कभी कथा और भक्ति भावना जीवन में न लाने वाला व्यक्ति भी मृत्यु के बाद प्रेत बनता है। हम 10 लक्षण बताएंगे कल, प्रेत कौन बनता है मृत्यु के बाद। बंधुओं, प्रेत योनि नरक से भी बुरी है। नरक में जाने वाला व्यक्ति पुनर्जन्म ले लेता है, पर प्रेत योनि वाला, प्रेत एक बार बने 2000 वर्ष तक मुक्ति नहीं, 2000 वर्ष तक प्रेत बनना पड़ता है। उसके निमित्त यदि भागवत की कथा कराओ तो ही मुक्त हो पाता है। तो गोकर्ण जी महाराज ने देखा कि भैया उनके धुंधुकारी भाई प्रेत बन गए हैं, तो सूर्य नारायण से आज्ञा लेकर के भागवत की कथा कराई, और भागवत की कथा सुनते ही धुंधुकारी अपनी प्रेत योनि से मुक्त हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार भागवत जी के महात्म में 2 बातें मुख्य बताई। पहली बात, भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट होते हैं। दूसरी बात, कोई कितना भी भयानक पापी हो, प्रेत योनि में हो, भागवत की कथा का स्पर्श होते ही वो मुक्त हो जाता है। ऐसी भागवत के महात्म को हम बारंबार प्रणाम करते हैं और आज के मंगल भाव को यहीं विराम देते हुए कथा को अब आरती की ओर चलेंगे। कल से बंधुओं ठीक 4 बजे हम कथा प्रारंभ करेंगे। आप लोग 3:30-4 बजे तक यहाँ आ जाइए। 4 बजे से कथा प्रारंभ होगी और 7 बजे तक क्रम चलेगा। आइए बड़े प्रेम और भाव से, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। ये पद की प्रतियां यदि कल आप सबको मिल जाएंगी तो अच्छा है। सप्त निधियों को नित्य प्रणाम भोपाल की भूमि से करेंगे। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो हमारे वृंदावन के साथ ठाकुर जी गोविंदेव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, जुगल किशोर जी और श्री बांके बिहारी, इन 7 ठाकुरों को इस पद में हम प्रणाम करेंगे। और इसका ऐसा भाव दास के मन में आता है कि इस पद को गाने से वृंदावन को प्रणाम, संपूर्ण वृंदावन को प्रणाम हो जाता है। तो इसलिए बड़े प्रेम और भाव से 7 देवालयों को प्रणाम करो, 7 निधियों को प्रणाम करो। सबसे पहले गोविंदेव जी, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम, रूप को स्वामी कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, श्री रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो
जन मन सुख धाम। हाँ प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के। सनातन बलि बलि सनातन बलि बलि जाए वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। दो ठाकुर हो गए, पर प्रथम श्री राधा गोविंद देव प्रभु, दूसरे मदन मोहन जी, और तीसरे गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपी ना। गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपी ना। हाँ प्यारो प्यारो गोपी ना, तो प्यारो प्यारो गोपी ना, ओ बड़ो प्यारो गोपी ना, तो बड़ो हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। ऐसा कहो श्री वृंदावन में सबते प्यारो, वृंदावन में सबते प्यारो। अच्छा, ये भाव अभी अभी मन में आया, वृंदावन में सबते प्यारो, क्यों? ये भाव जो उत्पन्न होते हैं ठाकुर जी ही करवाते हैं। अब राधा रमन जी के लिए तो आ गया सबते प्यारो, बाकी के ठाकुर का अच्छा तो हम प्यारे ना हैं, वही प्यारो हैं, कैसी दुविधा में डालते हैं ठाकुर जी। अब बुलवा दिया, अब मुझको ये लग रहा है कि राधा वल्लभ जी बिहारी जी मुझको टेढ़ी टेढ़ी नजर से देखेंगे, हम प्यारे नहीं है मतलब। लेकिन अब आया है भाव तो गा ही लो। अच्छा, कुछ दिन में इसी कथा में श्री राधा रमन लाल जी का प्राकट्य उत्सव भी 23 तारीख को है ना, बुद्ध पूर्णिमा 23 को है अभी श्री राधा रमन जी का। अच्छा, तो फिर ऐसा कह लो इस कथा में राधा रमन जी का प्राकट्य दिवस आएगा, इसलिए उनको हम कह रहे हैं सबसे प्यारो।
वे तो सभी प्यारे हैं वृंदावन में। वृंदावन में सबसे प्यारो, वृंदावन में सबसे प्यारो, हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, श्री राधा रमण झूला। आज हमने कथा के प्रारंभ में एक बात कही कि नृत्य तब तक मत करना जब तक आपका तन आपके वश से बाहर ना हो जाए, तो इसका मतलब आपका तन आपके वश में ही है, है? अभी तक आपके कंट्रोल में ही है। महाराज जी क्या करें, खुद थिरक ही नहीं रहे पाम, मतलब अभी आपकी भक्ति उतनी ही है, यही मारे बैठे हो। चलो अच्छा, इससे पैरामीटर भी पता चलता रहेगा। छठवे ठाकुर आपके मध्य प्रदेश में विराजमान है, पन्ना के श्री जुगल किशोर जी, ये हमारे वृंदावन के ठाकुर हैं, श्री हरिराम व्यास जी ने उनको प्रकट किया। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमान, जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमान, कुंजनि कुंजन की रज धारे, कुंजनि कुंजन की रज धारे, जहाँ व्यास युगल यश गाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन के सातवें और सबसे आकर्षक ठाकुर जी, हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन कर तू बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन कर तू बिहार, हाँ भुवन चतुर्दश की
चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, उठा के गाओ श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। ओ हम सबको प्राणन ते प्यारो, हम सबको प्राणन ते प्यारो, सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को ही उजियारो, और यह आनंद करवावे वारो, और यह आनंद करवावे वारो, हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो सबको मिलवावे वारो, सबको मिलवावे वारो, और यह आनंद करवावे वारो, हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। गाओ भाव से, जय राधे राधे, जय राधे राधे, सुभान बुलारी बरसाने वारी, वृंदावन वारी श्री कृष्ण प्यारी, हरिदास दुलारी हरिवंश प्यारी, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, हरिवंश दुलारी हरिदास प्यारी, हरिवंश दुलारी सुभान बुलारी।